बिल्कुल जी, आज सेकंड डे ऑफ HBSER एग्जीबिशन है और माशाल्लाह कल भी बड़ा अच्छा फुटफॉल था, लोगों ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया। एग्जीबिशन का दूसरा दिन है, क्या आपके परसेप्शन क्या है, मजमू तौर पे पिक्चर क्या बन रहा है, इज़ इट गोइंग वेल? बिल्कुल जी, आज सेकंड डे ऑफ HBSER एग्जीबिशन है और माशाल्लाह कल भी बड़ा अच्छा फुटफॉल था, लोगों ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया और स्पेशली प्रोफेशनल जो हैं इस इंडस्ट्री के, एयर कंडीशनिंग के काफ़ी लोग आए और आउटस्टेशन से काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है हमारे पास। आज सुबह से भी रिस्पांस अच्छा है, लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि जुमे का टाइम है इस वजह से लोग थोड़े से, लंच टाइम भी है तो कुछ थोड़ा रश कम हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जुमे के बाद, लंच टाइम के बाद फिर एक दफ़ा जो है वो लोगों की गैदरिंग होगी और बड़ा जोशो खरोश के साथ लोग जो है ना पार्ट इसमें शो में अपनी दिलचस्पी का इजहार करेंगे। अच्छा, ये एग्जीबिशन एक तो 3 साल के बाद हो रही है कोविड और ये सारे वो, लेकिन साथ साथ एक और भी बड़ा चैलेंजिंग मामला है मुल्क की इकोनॉमी का, उस सूरत हाल में ये हो रही है तो क्या जहन में पिक्चर बन रही है? बिल्कुल सर, सिचुएशन मुआशी सूरत हाल की जो आपने बताई है बड़ा अच्छा पॉइंट और बड़ा खौफनाक पॉइंट है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला से दुआ है कि कोई गाबी मदद हमारी की जाए बहसीत पाकिस्तानी हमारे मुल्क की, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए और अंदरूनी और बैरूनी साजिशों और दुश्मनों से महफूज फरमाए। लेकिन ये तो दुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली यही है कि वो तो देखें जी, गवर्नमेंट्स नहीं रिसियाँ लेना होता है मुल्क के मफाद में, जिन लोगों को हम लोग इलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा सियासी बयान हो गया उसके लिए माजरा चाहता हूँ, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस मैन आज भी पॉजिटिव हैं, कल भी थे और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगे। अच्छा, अब डॉलर रुपी जो पैरिटी है उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हुई है, जाहिर है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, ख़ासतौर पर ऐसी कंपनीज जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उसका रॉ मटेरियल सारे इनपुट्स है वो बड़े पैमाने में बढ़ जाते हैं, तो फीजबल रहा है ये इस सेक्टर में बिजनेस करना? सर जी, फिजिबल रहे ना रहे, लेकिन काम तो करना होता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग काफ़ी मुश्किलात का सामना है इम्पोर्टर्स को भी और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को भी, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी एक वीक की कोटेशन फिलहाल देने से गुरेज करते हैं, क्योंकि मटेरियल्स बड़ी तेज़ी से चेंज होते हैं, डॉलर एवरी डे तकरीबन चेंज हो रहा है, जिस वजह से मुश्किलात का सामना तो है। कितनी उम्मीद है, कितने होपफुल है कि इस मुश्किलात से निकल जाएंगे? सर जी, परसेंटेज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वही बात है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जल्द से जल्द इन मुश्किलात से निकलें। बेस्ट ऑफ लक।